हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का शुभारंभ। हेलो, हाय, नमस्कार, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो पहाड़ के इन खूबसूरत वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए वीडियो का। फाटा मार्केट, यह एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यहाँ पे यात्रियों के रहने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह मार्केट गुप्तकाशी मार्केट से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अभी मैं आया हूँ फाटा, तो अभी मैं फाटा से जा रहा हूँ फाटा रिसोर्ट, जो कि फाटा मार्केट से थोड़ी ही दूरी पे है नीचे की ओर। अभी जो मेरे पीछे आप पूरे खेत देख रहे हैं, ये सीढ़ी नुमा खेतों के बीच में बना हुआ है फाटा रिसोर्ट। तो आज मुझे वहाँ जाना है फाटा रिसोर्ट में, जो कि बड़े भाई महेंद्र देवसाली जी का है। तो आज मैं आपको पूरे रिसोर्ट का ओवरऑल व्यू दिखाऊँगा। आजकल यात्रा सीजन काफ़ी पीक चल रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी यात्रा आते हैं। जिन भी लोगों को सुकून और प्रकृति का खूबसूरत सा आनंद लेना है, वह फाटा रिसोर्ट में आ सकता है। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ फाटा रिसोर्ट में, तो आपको फाटा रिसोर्ट का पूरा ओवरऑल व्यू दिखाने वाला हूँ आज के ब्लॉग में। यहाँ से पीछे से रिसोर्ट जाने का रास्ता है, तो यहाँ से रिसोर्ट के लिए बीचों बीच रास्ता बना हुआ है। और नीचे से जो आपको पूरे खेत दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़ों के सीढ़ी नुमा खेत हैं, और यहाँ से जो खेतों का नज़ारा दिखता है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पहाड़ों के खूबसूरत सीढ़ीदार खेतों के बीचों बीच बना हुआ है फाटा रिसोर्ट। फाटा रिसोर्ट का ये ओवरऑल व्यू है। फाटा रिसोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको मेन मार्केट से 250 मीटर की वॉकिंग करके ही रिसोर्ट में पहुंचना होगा। फाटा रिसोर्ट को गेस्टों की पसंद के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो यहाँ पे रिजॉर्ट के ठीक सामने से बनाए गए हैं टेंट। तो जितने भी गेस्ट टेंट में रहना पसंद करते हैं, उनके लिए टेंट बनाए गए हैं, और टेंट में भी पूरी सुविधाएं दे दी गई हैं जो कि इधर रिजॉर्ट में हैं। और टेंट के पीछे से जो आपको मार्केट दिखाई दे रहा है वह फाटा मार्केट है, और इस तरफ बना हुआ है रिजॉर्ट। जो पक्के रिजॉर्ट बने हुए हैं वो ठीक सामने से हैं, और नीचे से आप देख सकते हैं पूरे प्रकृति का खूबसूरत सा नज़ारा। अभी आप सभी को टेंट के अंदर ले चलते हैं और पूरा ओवरऑल व्यू दिखाते हैं आपको टेंट के अंदर का। तो ये टेंट के पूरे अंदर का ओवरऑल व्यू है। अभी आप देख सकते हैं वाइट जो चद्दर बिछाई गई है, और सफाई का विशेष तर ध्यान रखा गया है, और जो पूरे टेंट और रिसोर्टों की जो थीम है वो वाइट रखी गई है। यदि आप सभी भी भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा करने आते हैं और इस प्रकार के रिज़ॉर्ट में रहना पसंद करते हैं, तो मैं जो रिज़ॉर्ट के ऑनर हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से कॉन्टैक्ट लेके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार के रिज़ॉर्ट को बुक कर सकते हैं।
फाटा रिजॉर्ट के अंदर जितने भी टेंट बने हुए हैं, टेंट के बाहर से आप देख सकते हैं सिटिंग एरिया बना हुआ है, जिसमें से चार चेयर मेज लगे हुए हैं, जो कि जितने भी टेंट के अंदर गेस्ट रहेंगे उनके बैठने के लिए पूरी व्यवस्था बाहर कर दी गई है। और आप बाहर से देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा पहाड़ों का नज़ारा दिखाई देता है। आइए आप सभी को रिसॉर्ट के अंदर कमरों का ओवरऑल व्यू दिखाते हैं। ये पूरे ओवरऑल व्यू है पूरे अंदर रिसॉर्ट के कमरों का। कमरों की थीम वाइट रखी गई है, बेडशीट आप देख सकते हैं वाइट है, और सफाई का विशेष तर ध्यान रखा गया है। गेस्टों के लिए गर्म पानी या ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए भी केटल रखी गई है। ये बाथरूम का पूरा ओवरऑल व्यू है, गीजर वगैरह सारी सुविधाएं भी बाथरूम में हैं, और काफ़ी लंबे चौड़े बाथरूम बनाए गए हैं। कमरे से अंदर बाहर विंडो खोलने पे बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अभी आप देख सकते हैं पूरे बाहर का व्यू, पूरे पहाड़ियों का व्यू काफ़ी सुंदर सा दिखाई देता है। फाटा रिसॉर्ट से सभी हेली सेवाएं काफ़ी नज़दीक हैं, जिसमें से थंबी 2 किलोमीटर, क्रिस्टल 2 किलोमीटर और पवनहंस 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ रिसॉर्ट में रह के आप हेली सेवाओं के लिए भी लाभ ले सकते हैं, जो कि काफ़ी नज़दीक पे हैं। और ये खूबसूरत सा नज़ारा है, जितने भी कॉटेज बने हुए हैं उनके बाहर की बालकनियों का, तो प्रत्येक बालकनी से बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। नीचे सीढ़ीदार खेत और सामने से हल्का हल्का फाटा मार्केट दिखाई दे रहा है, और ये नीचे से जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है यह रेस्टोरेंट का है। अभी मैं आपको ले आया हूँ रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट के अंदर अभी आप देख सकते हैं हैंडमेड की पेंटिंग बनी हुई हैं, जो कि केदारनाथ की हैं, और रेस्टोरेंट का स्पेस भी काफ़ी बड़ा है अभी आप देख सकते हैं। और कमरों और जितने भी रेस्टोरेंट हो, कमरे हो या टेंट हो, सभी में हैंडमेड पेंटिंग लगाई गई हैं, जो कि यहाँ के लोकल कलाकार द्वारा बनाई गई हैं। अभी मैं और खुशी जा रहे हैं मार्केट, और खुशी के हाथों में है भगवान श्री केदारनाथ की पेंटिंग, जो कि मैं रिसॉर्ट से ले आया हूं, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जब ऐसे कलाकार हों तो उन कलाकारों की सराहना भी करनी चाहिए जिस कलाकार ने यह पेंटिंग बनाई है। आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा
जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। जय हिंद देवभूमि, जय उत्तराखंड।